जूस वाला है क्या? और अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज मैं खिचड़ी बनाती हूँ और दाल भाजी, दाल को चढ़ाई हूँ कुकर यहाँ पर, और सामने मैं तेल डाल के रखी हूँ भगोने में गर्म होने के वास्ते, और ये बघार दाल डाली हूँ उसमें, प्याज, हरी मिर्च सब, और करंट चल रहा था, फिर करंट आया, 5-6 रोज से वीडियो नहीं डाली थी, और आज वीडियो क्यों ना आज डालेंगे, सबको बनेंगे, आज वीडियो बनाती हूँ। और थोड़े काम थोड़े ये वो करती हूँ, छोड़ जाऊँ मेरा काम पूरा, और ये अदरक लहसुन डाल के प्याज में डाल रही हूँ, टमाटे भी डाल रही हूँ उसमें, कोथिमीर, पुदीना, खिचड़ी में ना पुदीना है तो अच्छा रहता सब, पुदीना नहीं तो इतना खास देता है, खिचड़ी का फ्लेवर देता है पुदीना, और पुदीना है तो अच्छा रहता है। और ये 3-4 विजिल आ गए हैं, अब मैं दाल को भी अच्छे से निकाल के घोट ली हूँ, इससे अच्छे से बारीक पीस ली हूँ, और बघार के साइड में रखी हूँ, गर्म होता है। और एक तरफ से अदन आ गया था बघार के, अदन डाली थी, और अदन आने के बाद चावल डाली थी, डाले हूँ चावल, खिचड़ी भी पकने आ गई है अब हमारे, और गनी रेहान उठ गए हैं, रेडी होते हैं ना दोनों। यहाँ पर ये रख डाली हूँ, बदला ली हूँ पूरा, और कांच के बाटल है ना मसाले वाले, यहाँ रख डाली हूँ, ये छोटे बाटल अंदर रखे थे कपड़ में यहाँ पर, और मैं ये निकाल के यहाँ रख डाली हूँ। और मिक्सी भी, मिक्सी पहले जैसा छे ओवन तो भी यहाँ है, और इसे यहाँ रख डाली हूँ, और ये मसाले के डब्बे, अब ज़रा थोड़ा खुला टाइप है मुझे यहाँ पर, और तवा भी अभी नहीं उठी, और ये सब मैं ऑयल, सॉल्ट, शक्कर यहाँ रखी हूँ, और ये खाने पीने का यहाँ रखती हूँ सामान, और मसाले के डब्बे यहाँ, मिक्सी यहाँ, ओवन यहाँ, ओवन पे मैं है ना कवर रखी हूँ, दूसरा क्या रखना है, ये है ना कवर रखी हूँ, ये तरकारी डालने, ये नए बच्चों को कैरल रखो देने के वास्ते, और यहाँ पर धोको यहाँ रख डाल, और बोली हूँ उन्हें धोको यहाँ रख डाली हूँ बर्तना की बुट्टी, बर्तना की बुट्टी यहाँ नहीं सरका, यहाँ नहीं सरका, बर्तना की बुट्टी वहाँ है सरका, रख डालो बोली हूँ। अभी ये सब यहाँ रखी हूँ, बच्चे तो स्कूलांग जाके, और यहाँ सब क्लीन कर डाली हूँ, चूल्हे आंगने किचन रूम में क्लीन करी ना हूँ थोड़ी देर, और मैं अभी भी बैठी थी, कैल्शियम टैबलेट डाल ली, और मेरा है ना गुलाब का झाड़, हमारे गुलाब का झाड़ मर जाने के जैसे हो जाता है, ये झाड़ परवानी अल्लाह के फजल से अच्छी तरह है, और ये भी परवानी, पानी देखो यहाँ से यहाँ तक लीक हो, और ये भी परवानी, और इसमें से है ना एक हिस्सा, ये है ना ये झाड़ है ना सिंगल झाड़ है, थोड़ा डल पड़ गया है, और ये थोड़ा बेटर है, और गुलाब का झाड़ तो भी एकदम डल हो गया, मर जाने के जैसी हालत होगी, और मैं तभी ये है ना मकड़ी के जाले है ना से हल्का हल्का देखो, इसे मकड़ी के जाले डाल को ना झाड़ मर जाता है, ये क्या तो खा लेती है कि क्या, समझ में आया नहीं मुझे। एक छोटा फूल भी लगे है यहाँ पर, अयो देखो इतने नाजुक हो गए हैं झाड़, इतना नाजुक है, कल्याण मर गए हैं, थीम भी है फिर भी है कई को कि पूरा झाड़ मर जाने की हालत में आ गया है इसका, और ये फूल तो भी इसका तोड़ी, इसे भी है ना पूरे रेखा तोड़ डाली मैं, बल्ला के रेखा खराब हो गए थे इसके, इसे भी है ना ये देखो ये जाला कोसा कोसे झाड़ को जाला डाली है कि मकड़ी, वो झाड़ डल पड़ जाता है,
डर लगता है पपी, अच्छा खासा झाड़ है, मर जाने की हालत में आ गए। और ये पुरानी अलग सी, ये देखो हमारा पान का झाड़, माशाल्लाह कितना अच्छा है कि पान एक एक हथली के बराबर आया है, हथली के बराबर है। नीचे पान अलग हैं, ऊपर से आते हैं सब पान अच्छे हैं। और हमारे झाड़ गुलाब का फूल लगे हैं, तीन कल्याँ लगे हैं, और ये सब अलग फसल से अच्छी तरह हैं। बारिश पड़े छीटा पड़े खाली, मोगरे का झाड़ अच्छा होता है, झाड़ को ना ऊपर फूलों खिल को पड़ते हैं और शाखा कल्याँ अच्छे से निकले हूँ। बाहर पेरा भी तो अच्छा क्या है करके बोलती हूँ, अभी मैं फूला लगा के खिल गए सब फूलों, सुबह में ऊपर हैं डाला ली थी। ये सब मुझे ना बहुत योगा, ये झाड़ ये होगा स्वास्थ्य और बेजार का होता है, इसे बाहर तो पैर डालना था कि ना क्या कमजोरी होगी इसे समझ में आया नहीं। पुरानी ये झाड़ अच्छी तरह अच्छे, ये भी अब ये नए नए आए हैं, इसे ये दो नए नए आए हैं। सो अब ये भी था छोटा हो, ये भी खुल गया है सो। और ये भी माशाल्लाह नया पत्ता खुला है से, एकदम सीधा था वो, अब खुल गया है सो। देखेंगे क्या कर सकेंगे क्या है कि परसों दो दिन हार्डली दिए थे इस टाइम पर, मैं हमारे अम्मी इनके गाँव गई थी और जाते समय रास्ते में ये वीडियो पकड़ी हूँ, और यूँ जो बैठे बैठे याद कर ले चलो जा कहेंगे घर को, हमें गांव को निकल गए हमारे अम्मी इनके गांव को। ये जाते समय बाजू को ऑटो जाती है और ये आपको सिंगल रोड है, डबल रोड नहीं, आधा रोड आपको डबल रोड है, आधा रोड सिंगल रोड है। ये गांव आता है एक गुंडूर घर को और विलेज है छोटा सा, और ये इसकी नदी ब्रिज है बहुदा नदी घर को, ये नदी का नाम है। और ब्रिज भी अच्छी बड़ी है, एकदम चौड़ी और बहुत लंबी भी है ब्रिज। हमें ना जाते टाइम पर इधर देखते उधर देखते ऐसा जाती हूँ मैं, कहीं का तो ये साइड है ना परिंदे भी दिखते हैं ज़्यादा। अब है ना गांव के करीब ही महल उंगल गए हैं हमें, ये महल की ब्रिज है और ये सब करंट के बहुत बड़े बड़े करंट पोल हैं। आसमान देखो कितना अच्छा है, धूप भी अच्छी कड़क निकली है और आसमान भी अच्छा खुला खुला है। गांव को आगे में और सब खाले पीले को बैठे हैं यहाँ पर, जूस जूस आता है। अरे डाले तो कौन सा जूस का थम्सअप का मुख मारा तारे ने मुख मारा था रोजा तेरे तुम्हें क्या करा बनाते लगा नहीं लगा तो भी कहाँ तो डाल लेंगे पवाम पा दूसरे दिन निकल को दोपहर से काले पिले को और निकल को आ गए हमें। और
जाते इस टाइम वो पेट्रोल डाला ले भेज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम था इसके वास्ते, फिर से थोड़ा डाला ले ही और अब सीधा गांव को वास्ते निकले ही मदनपल्ली को। हमें बोले कि और एक दिन टिको जाते, और को बोले नहीं लो, दूसरे दिन से रेहान को गनी को स्कूल खुल जाती हैं, इसके वास्ते फिर से जली जली निकल को आगे हमें। और आते समय फिर मुझे थोड़ा पानी होना बोली, फिर यहाँ पर बाजू साइड में खड़ा करके एक कूल पानी ठंडा पानी लिए बॉटल लेकर, यहाँ दुकान है एक, वो दुकान में ले लगा और को बोली कार में पानी का बॉटल है, फिर भी ना धूप को ना बॉटल में का पानी एकदम गर्म होगा, इसके वास्ते ठंडा पानी ले और को बोली थी। और हमें रिटर्न आने के टाइम पर फिर से मैं इस साइड पकड़ी हूँ। और अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।